हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूँ मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्व इतिहास का, और विश्व इतिहास का पहला टॉपिक है हमारा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण को रेनेसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनेसा कहा जाता है। आखिर यूरोप में पुनर्जागरण क्यों हुआ? और यूरोप का पुनर्जागरण विश्व का पहला पुनर्जागरण था, और यह पुनर्जागरण क्यों हुआ, और इस पुनर्जागरण के क्या क्या कारण थे? पुनर्जागरण जिसे अंग्रेजी में रेनेसा कहते हैं, रेनेसा का अर्थ होता है फिर से जागना, अर्थात सोए हुए व्यक्ति का जागना नहीं, अपितु किसी भी बौद्धिकता, नैतिकता और वैचारिकता में परिवर्तन होना, क्रांति होना पुनर्जागरण कहा गया है। जब हम वैचारिक रूप से अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे साहित्यिक हो, इसी को पुनर्जागरण कहा गया है। पुनर्जागरण यूरोप में पहले हुआ। इसका कारण एक नहीं था, पुनर्जागरण की जब कारणों की चर्चा हम करेंगे तब जानेंगे आखिर पुनर्जागरण क्यों हुआ। तो पुनर्जागरण के कारण क्या है? पुनर्जागरण का कारण था धर्म युद्ध। इसका पहला कारण था धर्म युद्ध। क्या था? धर्म युद्ध इसका पहला कारण था। धर्म युद्ध जब तुर्कों ने, इस्लाम धर्म का उदय हुआ और इस्लाम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा, और ये जो है धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाने लगा, जिसके कारण विद्वानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मजबूरन जाना पड़ा, और वे पुनर्जागरण के कारण बने। तो धर्म युद्ध इसका पहला कारण था। दूसरा कारण था इसका सामंतवाद का पतन। पुनर्जागरण के कारण जो है सामंत, जो धर्म युद्ध हुआ, धर्म युद्ध के कारण सामंतवादी व्यवस्था का पतन होने लगा, और परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद व्यापार और वाणिज्य में इसका तीसरा कारण है व्यापार एवं वाणिज्य का विकास। जब व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ, इसको व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ाने के लिए यूरोपीय व्यापारी अन्य दूर दूर शहरों में बसने लगे। व्यापार करने के लिए जब व्यापार ये बस के लिए जाते थे, अपने साथ एक ज्ञान को भी लेकर जाते थे, मतलब इनकी बौद्धिकता उनके साथ जाती थी, जिसके कारण भी समाज में पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया। इसके बाद इसका तीसरा चौथा कारण है शिक्षा एवं साहित्य का विकास भी पुनर्जागरण का कारण बना। जब शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया, क्योंकि यूरोप में उस समय छापेखाने का आविष्कार हो गया, जिससे किताबों का छपना प्रारंभ हो गया, और किताबें जो छपती थी विद्वान को एक स्थान पर रहते हुए भी दूर दूर जाकर के क्या करना पड़ता था, वो अपने ज्ञान का प्रसार कर पाता था। किताबों से ज्ञान धीरे धीरे क्या होता, फैलने लगा, क्योंकि लिपि पूर्णतः विकसित हो गई थी और छापे कागज का आविष्कार हो चुका था, जिसके कारण जो है ज्ञान जो है आगे
बना, ये भी यूरोप में पुनर्जागरण का एक कारण बना। इसके बाद आता है पांचवा कारण है आपका तुर्कस्तूनिया, कुश तून तूनिया का पतन। ऑटोमन जो साम्राज्य था जब उसका पतन हो गया 1453 ईस्वी में, जिसके कारण तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण विद्वानों को मजबूरन इटली जाना पड़ा, और इटली जब गए तो अपने साथ पुस्तकें और ज्ञान दोनों को लेकर कहां चले गए, इटली चले गए, क्योंकि इटली उस समय यूरोप का सबसे सुरक्षित क्षेत्र था। परिणाम स्वरूप सभी विद्वान कहां चले गए, इटली चले गए, जिसके कारण भी पुनर्जागरण का मार्ग क्या हुआ, प्रशस्त हुआ, क्योंकि वहां पर काफी मात्रा में विद्वान क्या होते हैं, एकत्र हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजें, इसका जो है छठवां कारण है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों के कारण भी क्या होता है, भौगोलिक खोजें भी उत्तरदायी होती है। किसके लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोलंबस नामक नाविक ने, कोलंबस ने 1492 में अमेरिका तथा 1498 में जो है भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका और 1498 में भारत की खोज जो है किसने किया, कोलंबस नामक नाविक ने जब इसका खोज किया, जिससे क्या होता है कि यह मार्ग इतना प्रशस्त हुआ जिसे व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया क्षेत्र मिला, क्योंकि व्यापार वाणिज्य इतना बढ़ चुका था, उसके लिए बाजार की आवश्यकता थी, और बाजार की खोज में व्यापारी जो है दूर दूर देशों पर जाने लगे, और जब दूर दूर देशों तक गए तो वो अपने साथ जो है ज्ञान को भी लेकर गए, जिसके कारण पुनर्जागरण होना अवसंभावी हो गया, क्योंकि उनके साथ जो है वो मोरलिटी गई, स्वतंत्रता समानता राज्यों के प्रति विद्रोह की भावनाएं, ये समस्त चीजें गई, और जिसके कारण वहां पर पुनर्जागरण होना अवसंभावी हो गया। अब वैज्ञानिक खोजें, इसका सातवां कारण है वैज्ञानिक खोज। अब आप जानते हैं छापाखाना, दूरबीन, दिक्सूचक यंत्र, तोपों का निर्माण, पोतों का निर्माण होने लगा, जिसके कारण अब लोग जो है नाव से अन्य क्षेत्रों तक जाने लगे, जिससे जलीय मार्ग का विकास हुआ। अब जब जलीय मार्ग का विकास हुआ तो एक भूमंडलीयकरण की स्थिति उनके सामने दिखाई देने लगी, अर्थात एक देश दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखना और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखने में क्या होता है, सक्षम होता है, जिसके कारण दो देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ और व्यापार और वाणिज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसके कारण भी क्या होता है, पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके अतिरिक्त कागज एवं मुद्रा प्रणाली का आविष्कार होता है। अब जो है वस्तु विनिमय की जगह पर इसका जो है, जो आठवां कारण है कागज एवं मुद्रा प्रणाली का आविष्कार होता है, आविष्कार। अब आप सोचते होंगे कागज एवं मुद्रा प्रणाली का जो आविष्कार हुआ, यह जो है आपको बता दें कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ये क्रांति ला दिया। अब शिक्षा का स्तर बदला, और शिक्षा का स्तर बदला तो ज्ञान बदला, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोई चीज पढ़ना चाहते थे, व्यापारी अपने साथ पुस्तकों को एक देश से दूसरे देश तक ले जाने लगे। पहले क्या था, जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था
तो ये अभिलेखों पर लिखे जाते थे, तामपत्रों पर लिखे जाते थे, जिसको सहजता से किसी दूसरे को नहीं सौंपा जा सकता था। लेकिन जब एक कागज का आविष्कार हुआ तो इसके कारण हम अपने ज्ञान विज्ञान को एक दूसरे के कारण से असहजता ही मतलब क्या कर सकते, शेयर कर सकते थे, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पुनर्जागरण होता है। इसके बाद मंगोलों का उदय, मंगोलों का उदय अगला इसका कारण था, मंगोलों का उदय नौवां इसका कारण था, मंगोलों का उदय, मंगोल का उदय हुआ। जब मंगोलों का उदय हुआ तो अपनी साख बचाए रखने के लिए अन्य साम्राज्य जो है अपने शक्ति को बढ़ाने, नए व्यापार की खोज, नए क्षेत्रों की खोज के लिए अपने स्थान को छोड़ने लगे। अब परिणाम क्या होता है कि ये जो 13वीं शताब्दी का इतिहास था मंगोलों का, यह मनुष्य को जो है एक दूसरे के साथ जोड़ने और विद्वानों को एकत्र होने का मौका दे देता है, जिसके कारण यूरोप में पुनर्जागरण होता है। अब आप ये सोचते होंगे कि शिक्षा और साहित्य का जो विकास हुआ था वह क्यों इटली के क्षेत्र में हुआ और पुनर्जागरण क्यों इटली में ही हुआ। तो आपको बता दें कि अगर ये आप जानना, इसको अगर इस विषय पर हम अगली जो क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे, आखिर पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ, और इटली में पुनर्जागरण हुआ तो वह क्यों हुआ और इसका कारण क्या था, क्योंकि इससे प्रश्न भी आते हैं पुनर्जागरण से। तो पुनर्जागरण को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे और पुनः जो है चर्चा करेंगे कि इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ। तो आज आपको जो ये प्रश्न इसमें जो टॉपिक की चर्चा की गई है कि पुनर्जागरण पहला टॉपिक है, पुनर्जागरण क्यों हुआ और पुनर्जागरण का कारण क्या था, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। अगर इसमें कोई ऐसी समस्या है जो आपको नहीं समझ में आई तो आप ये समझ सकते हैं कि इसको समझने के लिए आप क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में इसको आप अपने प्रश्न और अपने विचारों को लिख सकते हैं और उसको साझा करके आप उसको क्या करते हैं, अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो अब आपसे हम विदा लेते हैं और अब इटली और इटली में पुनर्जागरण क्यों हुआ, अगर इस वस्तु को आप जानना चाहते हैं तो हमारी YouTube चैनल मनोज IAS को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे जुड़े रहें। नमस्कार।